बिहार में सुशासन है और सरकार न्याय के साथ विकास का दावा करती है, लेकिन बीजेपी की एक महिला प्रदेश पदाधिकारी को न्याय मिलने में दर दर भटकना पड़ रहा है। पुलिस को चार्जशीट करने में 4 साल का वक्त लग जाता है। जी 2016 अगस्त में, मतलब 23 अगस्त को मेरी बेटी ने सुसाइड किया था, शादी के 2 साल बाद। उसका लव मैरिज था। बाद में हमने पता किया, उसका मेल हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है। उसने दहेज के कारण, प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की थी। गांधी मैदान थाना में हमने केस किया और लगातार 4 साल तक दौड़ते दौड़ते उस बीच में उन लोगों ने हम लोग पे केस करके हमारे लिए, मतलब हम लोग अभी जमानत पे हैं और उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अग्रिम जमानत लेके वो लोग आराम से घूमते रहे। 4 साल दौड़ने के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ कोर्ट में। ये मामला कोर्ट में लंबित है और अभी तक दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का रवैया कैसा है? बहुत ढुलमुल था, बहुत। मैं तो डीजीपी के पास गई, मुख्यमंत्री को मैंने 3 बार मेल किया, उनसे जनता दरबार में मिलने की कोशिश की। यहाँ मैंने अपने पदाधिकारियों को भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या रसूखदार लोग हैं वो, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है? जी जी। कौन लोग हैं? हैं वो लोग हैं जिनका कोर्ट में वर्चस्व चलता है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मंत्री जी से मिले हैं? जी, अभी मैं मंत्री जी से मिली। तो ये अपनी पार्टी में पहली बार आपने रखा है बात की? इससे पहले नहीं, इससे पहले मैं सुशील मोदी जी से भी मिली थी। डीआईजी साहब, आईजी, डीजीपी, सबों से मैं मिल चुकी हूँ कई बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार्जशीट में हालांकि उन लोगों को दोषी साबित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट में मामला है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी सरकार है और 4-4 साल चार्जशीट नहीं होना, वो भी गांधी मैदान थाना के मामला होने के बाद? नहीं, मतलब पुलिस का रवैया तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है सर। मतलब मैं क्या बोलूँ, सरकार में काम तो हम लोग का काम नहीं हो रहा है तो और किसका? सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता। मुख्यमंत्री सबसे आप कोई नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री को मैंने 3 बार मेल किया, उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई कार्रवाई। वो सीधे वहां से होता था कि डीजीपी को भेजा गया है, यहां भेजा गया, वहां भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं। सुखी जी, 4 साल हो गए सुनने का, तो प्रक्रियाधीन यही तो बात। चार्जशीट होने में क्या 4 साल लगने चाहिए? ये तो वैसे जो लगा है, किस कारण से लगा है, उसकी जांच होगी। जो हमको दिए हैं हम उसकी जांच होगी। सीएम को मैंने 3 बार लिखा, डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी थे तत्कालीन, उनसे मैं मिली, उसका डीजीपी से कितनी बार मिली, और प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा की, हमारी सरकार में हमारा काम नहीं हो रहा। देखिए, ये सरकार की प्रक्रिया है और वो सरकार की गति तो आखिर ये कैसा सुशासन है? आप लोग मंत्री हैं, ऐसा बात मत कहिए। सुशासन के माने ही नहीं है कि 4 साल लगे चार्जशीट? नहीं नहीं नहीं, प्रक्रियाधीन है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर, ऐसे जो प्रक्रियाधीन में जो लंबित किए हैं, इसका भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पुलिस सर्कुलर रूल का जो रिवीजन किया, जो उसका जो कि जो जो कांड है और जो लंबित बात है, तो उसको कितना दिन में कैसे पूरा करना है, ये सब प्रक्रिया, इसका रूल रूल सब बना हुआ है। उसके तहत जो भी ऐसे अधिकारी लंबित किए होंगे, उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर उसके पर्यवेक्षण के आधार पर उसको एक उपयुक्त कार्रवाई होगी। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। संदेहास्पद स्थिति में उनकी बेटी की मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेकर तमाम पुलिस पदाधिकारियों के यहाँ दस्तक देने के बाद भी महिला नेत्री को अब तक न्याय नहीं मिल पाई है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।